लगातार उल जुलूल बयान देने के बाद विवादों में रहने वाली देश की वित्त मंत्री और भारतीय जनता पार्टी की नेता निर्मला सीतारमण एक बार फिर चर्चाओं में है। चर्चा किसको लेकर आए, आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है टमाटर के भाव अब हर शहर में लगभग 100 रुपए किलो से ज्यादा है और होलसेल में 60-65 रुपए किलो मिल रहे हैं। तो इसको लेकर अब निर्मला सीतारमण पर विपक्षी दल निशाना साध रहे हैं। आपको याद होगा साल 2019 में प्याज की कीमतों में जब वृद्धि हुई थी, तब विपक्षी दलों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को घेरा था। उन्होंने संसद में कहा था, मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती तो चिंता मत करिए, मैं उस परिवार से आती हूँ जिसका कि प्याज से ज्यादा लेना देना नहीं है। लेकिन अब जिस तरह से देश में टमाटर की कीमतों में अचानक उछाल आने के बाद कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों ने केंद्र सरकार समेत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आड़े हाथों लिया है। देश के ज्यादातर बाजारों में टमाटर की कीमत 100 रुपए प्रति किलो के पार निकल गई है। होलसेल मार्केट में भी टमाटर 65 से 70 रुपए किलो में बिक रहा है। वहीं आपको बता दें कि टमाटर की कीमतों में आई अचानक वृद्धि को लेकर उद्धव ठाकरे गुट की राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने ट्वीट करते हुए लिखा, क्या देश की वित्त मंत्री टमाटर खाती है? क्या टमाटर के बढ़ते दामों पर जवाब दे पाएगी? वहीं कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिन्नेत ने तंज कसते हुए कहा कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती की अपार सफलता के बाद अब जल्द ही आने वाला है, मैं टमाटर भी नहीं खाती। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टमाटर प्याज और आलू को प्राथमिकता बताया था, लेकिन उनकी गलत नीतियों के कारण पहले टमाटर सड़क पर फेंका जाता है और फिर 100 रुपए किलो बिकता है। साल 2019 में प्याज की कीमतों में जब वृद्धि हुई थी, तब विपक्षी दलों ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को घेरा था। तो उन्होंने संसद में कथित तौर पर कहा था कि मैं प्याज और लहसुन नहीं खाती तो चिंता मत करिए, मैं उस परिवार से आती हूँ जिसका के प्याज से ज्यादा लेना देना नहीं है। इसको लेकर ही कांग्रेस और शिवसेना ने निर्मला सीतारमण पर तंज कसा है। बता दें कि एक सप्ताह पहले होलसेल मार्केट में टमाटर 30 से 35 रुपए किलो बिक रहा था, रिटेल मार्केट में इसकी कीमत करीब 40-50 रुपए किलो ही थी, यानी दाम करीब करीब दोगुने हो गए हैं। एक महीने पहले यानी मई में तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में टमाटर से 5 रुपए प्रति किलो बिक रहा था, यानी एक महीने में ही टमाटर की कीमतों में करीब 1900% बढ़ोतरी हुई। दिल्ली में 70 से 100 रुपए प्रति किलो टमाटर बिक रहा है। अनुमान लगाया जा रहा है कि कई राज्यों में भीषण बारिश की वजह से टमाटर की फसल को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसके कारण टमाटर के दामों में वृद्धि हुई है। लेकिन निशाने पर आ गई निर्मला सीतारमण, क्योंकि जब प्याज के दामों में वृद्धि हुई थी तो निर्मला सीतारमण जी ने कह दिया था कि मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ ज्यादा प्याज खाई नहीं जाते, प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं होता। तो इसको लेकर विपक्षी दलों ने अब निर्मला सीतारमण को घेर लिया कि अब क्या जवाब देंगी, क्या अब ये कहेंगी कि मैं टमाटर भी नहीं खाती हूँ। जिसको लेकर लगातार निर्मला सीतारमण का मजाक बनाया जा रहा है विपक्षी दलों द्वारा और लोगों द्वारा जो सोशल मीडिया पर इनके फॉलोवर हैं उनके द्वारा भी। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा कुछ ही दिन पहले लगातार टमाटरों को किसान सड़कों पर फेंक रहे थे क्योंकि उनको उचित दाम नहीं मिल रहा था। 2-3 रुपए किलो तक टमाटर बिक रहे थे और अब अचानक से बारिश हुई तो टमाटर के दाम इतने ज्यादा बढ़ गए कि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं। और इसको लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को ट्रोल कर रहे हैं कि प्याज नहीं खाती थी तो क्या अब टमाटर भी नहीं खाती है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज।